गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। सो आज है संडे, तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज है संडे तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है, क्योंकि स्पेशल संडे में ही बनाया जाता है, और दिन तो नहीं बन पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैट्रिक डे रहता है डेली का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इडली सांभर चटनी। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल ली है 250 ग्राम, जिसे मैंने पहले ही भिगो दिया है, और अब मैं यहाँ पे सूजी भिगोने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट सूजी ली, यानी कि मैंने 1 किलो सूजी भिगोई है। और ना सूजी में जो है अब मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी दही। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो सूजी मैंने भिगोई है, जिसमें मैंने 200 ग्राम करीब दही डाला है इसमें। और दही और सूजी को मैं भिगो के और स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसको मैं अभी रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। इतनी देर में मैं नहा धो के आऊँगी। तो ना फ्रिज में चावल भी रखे थे कल रात के, तो मैंने सोचा चलो इस चावल का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये चावल को मैंने डाला मिक्सर जार में, और इसको मैंने बना लिया पेस्ट, और इसे भी मैंने सूजी के बैटर में मिला दिया। जी हाँ, तो मैंने चावल का पेस्ट बना के सूजी के बैटर में ही मिला दिया था इडली के लिए। तो यहाँ पे देखिए चावल का भी पेस्ट है, सूजी भी है, दही भी है और नमक भी है। इन सबको मिला के मैंने इसको रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है, दाल भी भिगो दी है। अब मैं नहा धो के आ जाती हूँ इतने में। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, और मैंने आते ही सबसे पहले मैंने इमली भिगो दी है। सांभर के लिए इमली तो चाहिए ही खटाई के लिए। और अब मैंने यहाँ पे दाल भी चढ़ा दी है। तो यहाँ पे मैंने दाल में डाल दिया है पानी, और स्वाद के अनुसार नमक, और 1 चम्मच हल्दी। तो सिर्फ हल्दी और नमक डाल के हम लोग 1 सीटी लगाएंगे, सिर्फ एक ही सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली है सांभर के लिए। तो यहाँ पे मेरी दाल गल चुकी है, और यहाँ पे देखिए दाल जो है हम ज़्यादा घोटी नहीं है अभी, हल्की दाल गली है, क्योंकि अभी हम इसमें सब्जी भी मिलाएंगे। तो सब्जियों में मैंने बैंगन भी लिया है, आलू लिया है, कच्चा केला लिया है, फ्रांस बीन लिया है, और 2 आलू लिए हैं। इन सबको मैंने डाल दिया है, और 1 सीटी फिर लगाएंगे हम लोग, जब तक मैं इमली का पानी तैयार कर लेती हूँ। तो इमली का पानी अब मैं छानूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 छलनी ली है, क्योंकि अगर सिंगल 1 छलनी में पानी छानेंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पे 2 छलनी में मैं छानूंगी, जिससे कि पानी में बिल्कुल भी मिट्टी ना आए और बिल्कुल भी किरकिरा ना लगे। ये देखिए इस तरीके से हमने छान लिया है और इमली का पानी निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे हमारी दाल भी गल गई है, सब्जी भी देखिए और बिल्कुल भी घुटी नहीं है सब्जी, इस तरह से खड़ी खड़ी रहेगी। और अब हम इसमें मिला देंगे इमली का पानी, और थोड़ा सा पानी और मिला देंगे, ताकि क्योंकि सांभर तो पतला ही अच्छा लगता है, और बाद में जब सांभर ठंडा हो जाता है ना तो थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। और अब हम करते हैं मसाला तैयार, सांभर मसाला तैयार हम घर पे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है 1 चम्मच करीब, और 3 चम्मच करीब मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है, 4-5 साबुत लाल मिर्च लिया है, और 1-2 बूंद सरसों का तेल डाला है। और इसको रोस्ट करेंगे अच्छे से। रोस्ट करने के बाद फिर हम इसका बना देंगे पेस्ट। तो हम यहाँ पे ना घर का ही मसाला यूज़ करते हैं सांभर मसाला, बाजार का सांभर मसाला हम लोग नहीं डालते हैं। और ये वाला मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, इस मसाले का सांभर। तो अब हम इसमें मिला देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था सांभर मसाले का। और अब हमने सांभर को अच्छे से उबालने के लिए रख देना है। तो चलिए तड़के के लिए तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और राई डाल दिया है यानी सरसों के दाने। जब सरसों के दाने तड़क जाएंगे तो इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, और इसके बाद अब हम डाल देंगे लहसुन जो हमने कट करके रखा था, 5-6 कली मैंने लहसुन की डाली है। इसके बाद हम डाल देंगे प्याज, 3 मैंने प्याज लिए थे जिसे मैंने चॉप कर रखा था, और कड़ी पत्ता डाल दिया है हमने, और डाल देंगे 1 चम्मच करीब हींग। तो यहाँ पे हमारा सांभर का तड़का तैयार हो रहा है, और जब यह अच्छा से भुन जाएगा लहसुन भी प्याज भी, तो 1 चम्मच डाल देंगे फिर से हल्दी, और 1 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमने पहले ही दाल में डाल रखा था, तो थोड़ा थोड़ा हमने और डाला है। अब लगा दिया तड़का, और यहाँ पे हमारा सांभर बनके रेडी हो गया, और इतना टेस्टी बन रहा था। आप देख सकते हैं एक एक सब्जियाँ दिखाई दे रही है सांभर में, और दाल भी इतनी अच्छी लग रही है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे हमारा सांभर तो रेडी हो गया है, और अब हम करते हैं इडली की तैयारी।
तो इडली में सबसे पहले हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, और मैंने अच्छे से सूजी को फेंट भी लिया था। तो तेल गर्म हो गया है तड़के का, और हम इसमें डाल देंगे सरसों के दाने, और अब हम इसका तड़का लगा देंगे। थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी डाल देंगे साथ में, तो अच्छा सा स्वाद आता है जब इडली बनती है। तो अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इसके ऊपर डालेंगे 2 पैकेट हमने इनो के, क्योंकि ये इंस्टेंट इडली बन रही है, तो इसमें हमने इनो का यूज़ किया है यहाँ पे। और अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से मिला लेंगे, और अब हम तैयारी करते हैं इडली की। तो हल्का सा हम लोग पहले ऑयल लगा लेंगे, जो इडली का जो साँचा है जिसमें हमें इडली बनानी है। तो ऑयल लगाने के बाद अब हम डाल देंगे इनमें बैटर, एक एक चम्मच, बड़ा बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है इसमें बैटर। और अब हम इसे घर के कुकर में ही बनाएंगे। तो मैंने इसमें 1 गिलास पहले पानी डाल दिया था, और इसके बाद अब हम कुकर को बंद कर देंगे इडली का साँचा रखने के बाद, और सीटी हम निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए हमारी इडली बनके रेडी हो गई है, और इतनी सॉफ्ट बनी थी और इतनी फुली फुली इडली बनी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और एकदम फुली हुई थी, एकदम रूई की तरह। तो बहुत ही अच्छी इडली बनके रेडी हो गई थी यहाँ पे। तो अब हम जो है चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, और यहाँ पे चटनी हम बनाएंगे चने की दाल की चटनी। तो सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सरसों के दाने डाल देंगे। सरसों का दाना जब तड़क जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे 2-3 सूखी लाल मिर्च, और लहसुन डाल देंगे साबुत 5-6 कली लहसुन के लिए। जब लहसुन आपका हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज ली है जिसको मैंने कट करके रखा हुआ था। प्याज हम डालने के बाद अब हम प्याज को हल्का हल्का भूनेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ही हल्का कलर लाने तक आपको भूनना है सिर्फ प्याज को। और इसके बाद हम डाल देंगे 1 कप करीब इसमें चने की दाल, छोटा 1 कप करीब हमने चने की दाल डाला है। अब हम चने की दाल को भी भून लेंगे। जब चने की दाल अच्छे से भुन जाएगी फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर कटे हुए। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, और टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। तो हम मसाले में सिर्फ मैंने इसमें डाला है हल्दी, और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, सिर्फ हल्दी नमक डालना और कुछ नहीं डालना है। और इसके बाद इसको हल्का सा पका लेंगे, और इसके बाद इसमें डाल देंगे इमली का पानी, और गैस कर देंगे बंद। तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे, और इसका बनाएंगे पेस्ट यानी कि चटनी। तो चलिए बनाती हूँ चटनी और फिर दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए बनके रेडी हो गई है इडली सांभर के साथ खाने वाली चटनी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। थोड़ी थिक लगे तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे रेडी हो गई है। और तो हाँ जी, कैसी बनी आज इडली सांभर? बढ़िया बनी है। नदी में रह के मगन से बैठ नहीं कर सकता, बढ़िया बनी। चलो, तो आज का जो इडली सांभर चटनी था सक्सेसफुल हो गया, और वो अच्छी बनी है। किसको रिव्यू देने के कोई पैसे नहीं है भाई, आपको इडली सांभर खिला रही हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है।